नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बोल बॉलीवुड पर। सुदीप्तो सेन की डायरेक्शन में बनी अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करती जा रही है। फिल्म के रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं, फिर भी बिजनेस के मामले में द केरला स्टोरी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई विवादों से गुजरने और कुछ एक राज्यों में बैन झेलने के बावजूद द केरला स्टोरी ने अब वीकेंड पर भी छप्पड़ फाड़ कमाई की है। हर बढ़ते दिन के साथ फिल्म का कलेक्शन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म ने अब बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ ली है और 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के जिद पे अड़ गई है। कम बजट में बनी द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए के साथ टिकट खिड़की पे खाता खोला था। वहीं ओपनिंग वीकेंड पर यानी कि पहले 3 दिनों में ही फिल्म 35 करोड़ 49 लाख का नेट कलेक्शन कर ले गई। द केरला स्टोरी के पहले वीकेंड के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दोगुने से ज्यादा कमाई की थी। रिलीज के पहले हफ्ते में द केरला स्टोरी का कलेक्शन लगभग 81 करोड़ 14 लाख रुपए रहा। वहीं दूसरे वीकेंड पे द केरला स्टोरी ने देश भर में 171 करोड़ 72 लाख रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अब फिल्म को लेकर लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो बीता वीकेंड भी अदा शर्मा की फिल्म के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। द केरला स्टोरी ने रिलीज के 15वें दिन यानी कि शुक्रवार को 6 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए, जबकि शनिवार को फिल्म ने 9 करोड़ 15 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं रविवार के बिजनेस की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द केरला स्टोरी ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही द केरला स्टोरी ने 17 दिनों में लगभग 198 करोड़ 47 लाख रुपए का टोटल बिजनेस कर लिया है। अब फिल्म 200 करोड़ क्लब के बेहद करीब पहुंच गई है। आज यानी सोमवार को द केरला स्टोरी कम कमाई करके भी आराम से 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। यह फिल्म रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर तू झूठी मैं मक्कार को पीछे छोड़ने के साथ साथ इस साल की पठान के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। बात करें पठान की तुलना में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा तो द केरला स्टोरी ने पठान से ज्यादा पैसे तो नहीं कमाए, पर हाँ अगर हम इस फिल्म के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखें तो यह पठान से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुई है। दरअसल पठान फिल्म का बजट लगभग 225 करोड़ था और शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 655 करोड़ रुपए, यानी कि अपने बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा। वहीं हम अगर द केरला स्टोरी को देखें तो 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है, यानी अपने बजट से 10 गुना ज्यादा। इस लिहाज से यह पठान से भी ज्यादा बड़ी हिट साबित हुई है और अभी भी उम्मीद है यह फिल्म अपने कलेक्शन में 20 करोड़ का इजाफा और कर सकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल बोल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।